प्रोग्राम का जो मुख्य बिंदु मेन पॉइंट है कि विनर कौन है, तो पांच प्रोग्राम का हम लोगों का जिसमें से चार को हम लोग सेलिब्रेट किए हैं और इनमें से हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक तबके के लिए दो बच्चों को चुना गया है और सिलेक्ट करने के लिए हम और हमारी टीम ने मिलकर इस सिलेक्शन को डन किया है। तो आइए अब ये देखते हैं कि कौन से प्रोग्राम का कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट या सेकंड आए हैं। तो मैं आज के इस एपिसोड के एंकरिंग के लिए नाजिया और आयशा बनम को दावत देना चाहता हूं। प्लीज कम हेयर ऑन दिस स्टेज। In this speech, the first prize goes to Aisha Shabnam. Aisha Shabnam ko sammanit karne ke liye main Richa ma'am ko bulana chahungi. Richa ma'am, please come on the stage. Aisha Shabnam, please. तालियों से स्वागत। और कैमरा मेडल पे जूम कीजिएगा। जूम ऐसे जूम अच्छा दिख रहा है। आयशा सेकंड वाला लगातार, थर्ड वाला आप फर्स्ट आए हैं लगातार, ये अपना अपने क्राउड फील कर रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है और आप किस तरह से तैयारी करते हैं? थोड़ा सा क्या आपका शायद लास्ट ईयर है, आप फाइनल ईयर में हैं अभी, तो अपने से जूनियर बच्चों को थोड़ा बताएं कि स्पीच के लिए आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं कि हर बार आपका फर्स्ट आ रहा है। थोड़ा मैं भी जाने के लिए इंटरेस्टेड हूं। प्लीज स्पीच। द सेकंड प्राइज गोस टू बुशरा। बुशरा को सम्मानित करने के लिए मैं गेस्ट गौहर सर को बुलाना चाहूंगी। गौहर सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्राइज इज फर्स्ट तो सॉरी ओके थैंक यू। Now it is time for singing winner. So the first winner of singing is dear sister Sagupta. Inko sammanit karne ke liye main gaon hamare guest Dao sir ko invite karna chahta hu to aaye aur inhe sammanit kare. Now the second winner of singing is Aisha. Please come. इनको invite, इनको सम्मानित करने के लिए मैं आप सभी को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राशिद के बारे में एक्चुअली कहा क्योंकि अपना नाम मैंने इसमें दिलवाया। राशिद सिंगिंग बहुत अच्छा किया,
बट इन्होंने जो एक फीमेल वॉइस के रूप में लिया था उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा थोड़ी और तैयारी करो, अगर आपका भी अगर अच्छा होता तो ये फर्स्ट आता है। जरूरी है कि आप अपने साथी भी अपने तरह स्ट्रांग लें, नहीं तो फिर सॉन्ग फ्लॉप कर जाएगा। क्या होता कि कुमार शानू के साथ श्रेया घोषाल आ जाती, सपोज दैट कुमार शानू का पता होता ठीक है बैठो। और इनके साथ में जो फीमेल वॉइस थी आयशा सानिया, बेटा आप थोड़ा और स्ट्रगल कीजिए, दिल छोटा करने की नहीं है। मैं गांव से निकल के दो बार डीएम अवार्ड में मिल चुका है और अनेकों बार फेल होने के बाद, सच्चाई तो ये है, तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करने की जरूरत है कि आगे हम कैसे लेंगे। ट्राई कीजिए, ट्राई करते रहिए और इंशाल्लाह आज ना कल कामयाबी मिलेगी। हम लोग भी भाई लोग शायद कभी ना कभी फेल हुए होंगे, मैं तो कई बार हुआ, लेकिन लास्ट में बड़ा से बड़ा अवार्ड मिला। आज भी अभी भी मैं पार्टिसिपेट कर अभी तो प्लीज किसी भी तरह का अवार्ड फील नहीं करना है, नेक्स्ट अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ट्राई कीजिए। शमी प्रिया ओल्ड स्टूडेंट यहाँ रह चुकी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नादिया फ्रंट पे आओ। यही ड्राइंग है नादिया की, और ये सामने में करवाया गया है टेस्ट रिफ्रेश बिहार। टिकट के लिए रिचा मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें सम्मानित करें। ड्राइंग की जो कोई है वो थोड़ा परफेक्ट लग रहा है ऐसे, ये पूरी तरह से ऋषा मैम के हाथ में दिया गया था, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेंटिंग में क्या कमियां रह गई हैं या क्या अच्छा है थोड़ा इस पे रोशनी डालें प्लीज। ऐसे तो हम कोई प्रोफेशनल पेंटर या ड्राइंग नहीं जानते हैं, बट जहां तक एज अ ऑडियंस सवाल है, तो मैंने ही टॉपिक उन लोगों को प्रोवाइड किया था, एक तो चिल्ड्रंस था एक नेचर, तो मैंने टॉपिक को दिया और सिर्फ रिजवान ने ही उसको कंज्यूम किया। और दूसरी बात है इसका कलरिंग स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका कलरिंग देखो बहुत फाइन है, मतलब ड्राइंग कुछ खास नहीं है, कुछ अलग चीज नहीं बनाया है, बट उसको जिस हिसाब से इसने कलर किया है वो बहुत फाइन है, वो मुझे अच्छा लगा। और इसमें तो माशाल्लाह बहुत सारा है ही, सारे मैसेजेस हैं इसमें, तो जो चाहिए तो सब है ही, ये तो अनडाउटली फर्स्ट है। ठीक, बट सेकेंड के लिए मुझे कन्फ्यूजन था, वो मैंने पर्सनली करा सकता।
जो भी पार्शलिटी दे दी कर दी। अमन बाकी भी जो ड्राइंग है प्लीज वो आप फर्स्ट में दिखाएं। उन बच्चों से रिक्वेस्ट है और आप कुछ समझ सकते हैं यार, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। बेटा जब चलोगे नहीं तो फिर गिरोगे नहीं, सीधी सी बात है। कोशिश ही नहीं करोगे ना फिर फर्स्ट होना फेल होना तो कोई उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। तो आपको पार्टिसिपेट करना है, फिर फर्स्ट सेकेंड या फेल की उम्मीदें रखती है। और फेल होने से थोड़ी ना आप छोटे हो जाते हैं, बल्कि आपको एक चांस दे रहा है कौन, जहां आप दे रहे हैं अपना परफॉर्मेंस, वो एक चांस दे रहा है कि अगली बार भी आप आओ मैदान में और अच्छा परफॉर्मेंस दो। और जो लोग टॉप कर रहे हैं यानी फर्स्ट कर रहे हैं, उन लोगों को ये मैसेज जाने चाहिए कि आप एक छोटे से कोचिंग पर आपने फर्स्ट किया है, इस परफॉर्मेंस के लेवल को इंक्रीज करके आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइए। ये आपका एम होनी चाहिए। किसी भी चीज का इंद्र नहीं है बेटा, दुनिया का ही इंद्र नहीं है तो फिर आपकी क्वालिटी का इंद्र कहां से आ जाए। बाकी जो पेंटिंग है वो भी बहुत अच्छा था। ये सारी चीजें हैं, मैं वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर प्राइज अगर कुछ है तो लेके आए, कुछ ऐसी पेंटिंग ड्राइंग है जो कि मजबूर कर रही है उसे कुछ ना कुछ दिया जाए। ये किसका था, नाम नहीं लिखे आप लोग, आपका क्या नाम लिखते हैं, शफीउल्लाह प्लीज कम। ये कैसा लग रहा है, प्लीज आखिर सम्मान दीजिए। इसके बाद सना का है, ये इन्होंने बहुत सिंपल बनाया है लेकिन आपने जो स्केच दिया है, स्केच क्या बोल रहा है, ये कमाल है, एकदम ओरिजिनल आपने पंडित साहब को यहाँ उतार दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो प्लीज कम हियर ऑन स्केच। चल जा So sorry, please wait. अगला प्राइस है रेहान खान का। इसमें कुछ कमियां हमें दिख रही है, मैं चाहूंगा कि रिचा मैम कुछ सब आप इसको डील कीजिए। स्केच बहुत अच्छा है बट कलरिंग में थोड़ा सा इश्यूज है। गलती को दोबारा क्लियर करना। कंप्लेन है, एक मिनट कंप्लेन है कि कुछ 8 साल रह गया है तो आप अगर है अमन देखो तो कुछ रह गया है क्या, एक मिनट ये सारा बनाइए। बेटा बहुत अच्छा है, वेरी गुड, वेरी गुड।
तालियां। आपसे एक मिनट, एक मिनट, इतना अच्छा बनाए है, क्या वजह है कि आप, अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी बाहर आनी चाहिए। नॉलेज रख के सराओगे क्या भाई? मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट बार प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं करवाता रहूंगा, जैसे ऐसे में मौका मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़ना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में अभी जितने बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे, भाग लिए थे, कम से कम इसको मल्टीपल तो करना है भाई, टू मल्टीपल जरूर करना है इंशाल्लाह, और इससे अच्छे बड़े पैमाने पर हम लोग प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको एक मैसेज है कि आप नेक्स्ट बार इससे अच्छा परफॉर्मेंस दें, और आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आप और अच्छा और कड़ी मेहनत करके यहां आए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। एग्जाम में जिस तरह से तैयारी करते हैं तो एक दिन में हो जाती है तैयारी, क्या साल भर लगता है, फिर जाके कोई फर्स्ट करता है, कोई टॉप करता है, कोई जब फेलो कर जाता है साल भर में, लेकिन फिर बेचारा मेहनत करता है, फिर एग्जाम देता है। आपने आइंस्टीन का नाम सुना है? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ज्यादा नहीं 8 से 9 स्कूल से निकाले जा चुके, और लास्ट में वो किसी स्कूल में पढ़े ही नहीं। ये बहुत कम लोगों को पता है, उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, उनकी जो मदर है, मदर मम्मी ने टीम किया, फिर जाके वो थोड़ा सा एलिजिबल हो पाए, तब उनका स्कूल में जाके लास्ट में सिलेक्शन होता है, फिर वो आगे पढ़ाई करते हैं। बचपन जो था उनका बचपन चाइल्डहुड, इसमें वो कई स्कूल से निकाले गए। क्यों निकाले गए थे? क्योंकि वो बार बार फेल हो जाते थे एग्जाम में, टीचर परेशान थे उनके नटखटपन से, अजीब अजीब काम सब। वो आपने तारे जमीन पे मूवी देखी है? जस्ट लाइक ईशान, ये रियल लाइफ के हीरो थे, वहां तो फिल्मों में वो रियल लाइफ के लोग थे। और आपको पता होनी चाहिए कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन के माइंड को जब परखा गया साइंटिफिक तरीके से, तो उनमें जो बुद्धियां पाई गई, सेल्स का जो फाउंडेशन मिला, वो अब तक जितने इंसान आए हैं, प्रेजेंट मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा सेल्स की मात्रा उनके माइंड में मिला। ये इस बात का प्रमाण देता है कि वो बंदा जहन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन उस कोयले को हीरा बनाने की जरूरत थी, क्योंकि बचपना तो कोयला ही था ना। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लाइफ में उनके टीचर आए, और स्टार्टिंग उनके मदर का ही था, जिस वजह से दुनिया को सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार देने का उन्होंने काम किया, जिसे आज हम परमाणु हथियार के रूप में जानते हैं। और आइंस्टीन ने मैथमेटिक्स और साइंस में जो क्रांति लाई है, आज भी वो अपने फील्ड में अकेला बन गया। उन्होंने जो खगोल शास्त्र में वगैरह, तो अलग टॉपिक है, आइंस्टीन का जिस दिन बर्थडे आएगा उस दिन सेलिब्रेट कर लेंगे। सिर्फ मैं बताना ये चाह रहा हूं कि बेटा आप अपने फेलियोर से बैक नहीं होइए, हर फेल आपको एक मौका देता है आगे बढ़ने का, तो आप मायूस ना हो, आगे के लिए कोशिश कीजिए। ये छोटा सा मंच है, जो लोग टॉप किए हैं फिर से कहूंगा वो आगे बड़े मंच की तैयारी करें, और किताबी दुनिया से सिर्फ काम आपका नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ना पड़ेगा। खास करके यहाँ पे मुस्लिम समाज के बच्चे ज्यादा हैं, या फिर जो अल्पसंख्यक है, उन सबकी मैं बात कर रहा हूँ। आपका जो सामना है वो ऐसी ताकत से है जो आपसे एक गुना दो गुना नहीं, कम से कम 60 टाइम्स मल्टीपल्स है। खुल के अगर कहा जाए
तो ऐसे कट्टरवादी नीतियों से जिनका हाथ आजाद भारत में कभी ना था, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का इन्होंने के साथ दिया था लिखित रूप में, अगर और खुल के मैं कहूं तो आरएसएस। 56 साल इन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। उस नफरत के आगे आपको प्यार का बोल बोलना है, बहुत टफ है जनाब। पढ़िए गांधी को, पता चलेगा आपको कि प्यार फैलाने में, मोहब्बत एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में बिना हथियार के क्या स्ट्रगल बढ़ता है। एक हफ्ता भी नहीं हुआ गौर भाई, कंगना रनौत का बयान आया कि आजादी जो मिली थी 47 में वो भीख में मिली। ऐसे पागल लोगों से आपका सामना है, और हाशिए पर अल्पसंख्यक है ये हर कोई जानता है, हाशिए पर अल्पसंख्यक है, क्या इज्जत है आपकी, कोई औकात नहीं रह गई है। मैं खुल के बोलना चाहता हूं, क्या राजो पट्टी के आगे कुछ बोल नहीं पाओगे, क्या इसीलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए, लेकिन ऐसा दबको इंजीनियर बन जाए कि अपने फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं दे सकते हैं। आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा, याद रखो। छोटे बच्चे लोग यहाँ पर, हम जान रहे हैं कि मेरा स्पीच थोड़ा आप लोग के लेवल से हाई हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चे तो है ना यहाँ पर समझने के लिए, एक ही काफी होता है बेटा, एक ही गांधी भारत के लिए काफी होता है, पूरे वर्ल्ड को रोशन किया हो। मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना है? यस सर। 12 पे इंग्लिश में पढ़ाया था? यस सर। वो आपको बनना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।